बेटियों और जो भी नौजवान साथी यहाँ लगे हैं कार्यक्रम में, नौजवान साथियों, आप सभी को अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की ओर से मैं कुशवाहा राकेश महतो राष्ट्रीय अध्यक्ष कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूँ। चूंकि यह माहौल उस जयंती मनाने का है, तो आप लोगों ने आज उस जयंती मनाने का निर्णय लिया, इस त्योहार को मनाने का निर्णय लिया। आज इस त्योहार का बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आपके कुशवाहा महासभा 125 वर्ष पुराना संगठन है और 28 राज्यों में यह संगठन मजबूती से कार्य कर रही है। उसका प्रतिनिधित्व मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ। देश के आजादी के पूर्व की बनी यह संगठन आज बहुत दूर तक फैल गई है और आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि जिस तरह से यह नौजवान का साथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद है, या किसी भी राजनीतिक संगठन को टक्कर देने की ताकत इस संगठन में चली आ सकती है, ऐसी हम लोगों की संभावना है। हमारी यह संगठन पूरे देश में अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा में आने वाले 70 जाति, कुशवाहा सैनी, मरार माली, कछवाहा, अग्निकुला छत्री, बनीकुला छत्री, संगम, दलिता इत्यादि 70 संगठन जो छोटे छोटे इसमें आते हैं उससे बना यह संगठन है, जो मुख्यतः यह कृषि पेशा से जुड़ा हुआ है। इसमें अधिकांश लोग फल फूल सब्जी धान गेहूं इत्यादि उत्पादन करते हैं, वैसे लोगों का यह संगठन पूरे देश में है और इसका आबादी पूरे भारत में लगभग 14% है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यह वह बिरादरी है, यह वह समाज है जो पूरे देश नहीं पूरे विदेश में इसे राम राज के रूप में जिस काल को जाना जाता है वह काल को बनाने वाला यही बिरादरी है। वर्तमान समय में जब भारत को सोने की चिड़िया कहा गया और 10 चक्रवर्ती सम्राट हुए, उस 10 चक्रवर्ती सम्राट बनने का भी सौभाग्य इसी समाज के पूर्वजों का है। भारत का निर्माता, अखंड भारत का निर्माता वह आपके पूर्वज थे, उन्हीं के आप वंशज हैं। आपको बता दूं कि जिस समय आपके पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य और महान सम्राट अशोक ने इस अखंड भारत का निर्माण किया था, भारत का विस्तार किया था, उस समय यह भारत 36 लाख वर्ग किलोमीटर में था। यह 36 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारे पूर्वजों ने ताकत, हिम्मत और परिवार के बल पर और कर्म के सहयोग से शासन 140 वर्षों तक किया। चंद्रगुप्त जैसा कलम और महान सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार जैसे तलवार की ताकत पर 140 वर्षों तक शासन किया और वही शासन भारत की सोने की चिड़िया कहा गया। उस शासन के आप वंशज हैं, हमारा भारत है, हमारे पूर्वजों ने भारत का निर्माण किया। उस भारत के निर्माण के बाद यहाँ के कुछ बेईमानों ने कुछ अपने स्वार्थ के बल पर सत्ता विदेशियों के हाथों में छीन कर भेज दिया और लगातार बहुत दिनों तक 712 वर्षों तक मुगलों का शासन भारत में रहा, अंग्रेजों का शासन रहा और भारत को जो 36 लाख वर्ग किलोमीटर था 33 देश के टुकड़े में बांट दिया।
33 टुकड़ा में भारत भी एक टुकड़ा है। इतना छोटा भारत कर दिया हमारे विदेशी ताकतों ने, खंड खंड इस भारत को बंटवारा कर दिया। आज 12,00,000 किलोमीटर में मात्र भारत बचा है और इस भारत के 12,00,000 किलोमीटर को भारत को बचाने के लिए हमारे जो उनके वंशज हैं जो भारत का निर्माण किया, उनको सामने आना होगा, आगे बढ़ना होगा।